और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर है, मिशन 80 को लेकर बीजेपी की नई रणनीति, सरकार के कामों की चौपाल पर चर्चा होगी। प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं, चौपाल लगाकर बताई जाएंगी सरकार की उपलब्धियां, गांव में चौपाल लगाकर कराई जाएगी चर्चा। तो ये कोशिश है बीजेपी की मिशन 80 को लेकर कि सरकार के जो कामकाज है उनकी चर्चा हो, चौपाल लगाई जाएगी और चौपाल के जरिए ही जो उपलब्धियां अभी तक रही हैं सरकार की उन्हें बताया जाएगा। गांव गांव में ये चौपाल लगाई जाएंगी और सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन्हें बताया जाएगा। विशाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, अब शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों पर भी बीजेपी की नजर है और इसीलिए अब गांव को लेकर यह फैसला लिया गया कि वहां की जो जनता है, जो ग्रामीण है, उन्हें ये पता चले कि अभी तक सरकार ने उनके लिए क्या क्या किया है। तो इसी कड़ी में चौपाल का आयोजन करने वाली है बीजेपी। देखिए बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जो है वो चौपाल का आयोजन करने जा रही है। इसको लेकर पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। जिला पंचायत अध्यक्षों को ये जिम्मेदारी दी गई है और तमाम प्रधानों को इसमें शामिल करने के लिए कहा गया है। कहा गया है कि केंद्र सरकार की तमाम उपलब्धियाँ, इसके साथ साथ यूपी सरकार की तमाम योजनाएँ जो हैं वो जनता तक पहुँचें, इसको लेकर चौपाल जो है वो लगाई जाएंगी। ये चौपाल अलग अलग श्रेणी में लगाई जाएंगी, रात्रि चौपाल होंगी, इसके साथ साथ दिन में भी तमाम कार्यक्रम होंगे जिसमें यूपी सरकार के तमाम मंत्री पदाधिकारी, बीजेपी के सभी लोग शामिल होंगे और अलग अलग जगह पर ये पूरी चौपाल का आयोजन किया जाएगा। तमाम चौपालें जो आयोजित होंगी उनमें कुछ जगहों पर जो है यूपी सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के भी जो मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी शामिल होंगे। इसको लेकर पूरी एक रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है कि चौपालों के जरिए ग्रामीण स्तर तक बीजेपी जो है वो अपनी पहुँच करना चाहती है और इसी को लेकर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने अपनी पूरी रणनीति जो है वो तैयार कर ली है। तो देखिए विशाल, ये जानकारी साझा कर रहे हैं। विशाल, बीजेपी ये भी समझती है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां की एक बड़ी जिम्मेदारी लोगों की होती है, तो ऐसे में उन लोगों को अपने पाले में करना, और इसीलिए ये रणनीति बीजेपी ने बनाई है कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं उन्हें भी उनकी उपलब्धियों के बारे में डिटेल में बताया जा सके और उनकी वोट को बटोरा जा सके, उनकी जो अहमियत है उसको समझते हुए ये फैसला बीजेपी का। देखिए बिल्कुल, चूंकि शहरी क्षेत्र में तो बीजेपी अपना जो है लगातार कई कार्यक्रम कराती रही है और यही वजह है कि शहरी क्षेत्र में बीजेपी अपने आप को बहुत मजबूत मानती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी को ये लगता है कि अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है और इसीलिए चौपाल लगाकर ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम जगहों पर सरकार की योजनाएँ, उपलब्धियाँ बताई जाएंगी, जो राशन दिया जा रहा है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, तमाम जो सरकार की योजनाएँ चल रही हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी, इससे कितनी जनता को लाभ पहुँच चुका है इसकी जानकारी दी जाएगी। तो ये ग्रामीण स्तर पर होगा, तो जाहिर बात है कि जब ग्रामीण स्तर पर इतना एक वृहद कार्यक्रम होगा चौपाल के जरिए तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है और इसीलिए बीजेपी के पूरी जो टीम होगी, चाहे वो यूपी की हो चाहे केंद्र की हो, वो इस पूरे चौपाल में हिस्सा लेगी। जी ठीक है विशाल, शुक्रिया आपका ये जानकारी साझा करने के लिए।